हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज बात करने वाली हूँ कुछ कलरफुल लिव्स प्लांट के बारे में, जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं और आपके गार्डन की सुंदरता को ये बढ़ाएंगे। चार चांद लगा देंगे, उसमें कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं उन प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा संचेजिया। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। अभी बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ढेर सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा क्रोटॉन। क्रोटॉन काफ़ी सारे कलर में आता है, बहुत सुंदर सुंदर इसके लीव्स होती हैं और मेरे पास ये 5 से 6 वैरायटी में हैं। तो मैंने छोटी छोटी कटिंग इसकी लगा रखी है, काफ़ी सारे प्लांट मैं इसके तैयार कर रही हूँ। आप इसको लगा सकते हैं, आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है हमारा ड्रेसिना मार्जेंटा। इसको मैंने कटिंग से लगाया है और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, काफ़ी सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियाँ। तो देखिए, ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना कई तरह की वैरायटी में आता है और खूबसूरत होती हैं इसकी पत्तियाँ, काफ़ी खूबसूरत इसके कलर होते हैं और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। वहीं पर अगला प्लांट है हमारा संग ऑफ इंडिया। संग ऑफ इंडिया भी कटिंग से आसानी से लग जाता है और बहुत ही सुंदर ऑक्सीजन वाला प्लांट होता है। और सिंगोनियम की बात कर लेते हैं। सिंगोनियम काफ़ी आसानी से होने वाला प्लांट होता है, ये डिवाइड होकर लग जाता है, पानी में भी लगा सकते हैं आप इसको, बहुत ही सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियाँ। अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर होती हैं और ये ड्वार्फ और लॉन्ग वैरायटी दोनों में ही मिल जाता है। स्नेक प्लांट की पत्तियाँ वेरिएटेड और सिंपल दोनों तरह की मिल जाती हैं। ड्वार्फ वैरायटी के जो स्नेक प्लांट होते हैं वो कमल के फूल की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं तो ये है स्टारलाइट। स्टारलाइट का प्लांट काफ़ी सुंदर होता है, इसकी पत्तियों का जो कलर होता है बहुत ही सुंदर होता है और इसकी जो आप कटिंग करते रहें टाइम टाइम से तो ये बोंजाई बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो वहीं बात कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट प्लांट की। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सफलेरा। तो सफलेरा वेरीगेटेड और सिंपल दोनों तरह में आता है, ये मेरा वेरीगेटेड है, इसकी भी आप बोंजाई बना सकते हैं, इसकी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सेलजिंजर। देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ लग रही हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं, तो अगर आप एक प्लांट ले आएँ तो ढेरों प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर और कम केयर वाला प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है अगेव। अगेव भी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही कम केयर में होने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल जैसे एक कमल खिला हुआ है, ये भी ऐसे ही लगता है। देखिए मेरे पास ये दोनों प्लांट है, वेरीगेटेड और सिंपल वाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी बेबी प्लांट निकलते हैं, इसके भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्लांट है हमारा यूका। यूका बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। अगर गार्डन में ये यूका प्लांट आपने नहीं लगा रखा है तो इसको लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है और जब ये बड़ा हो जाता है इस पर बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगाई हुई है ये गोल्डन डोरंटा, इसके साथ ही मैंने ये लालसा के प्लांट लगाए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। वहीं मैंने फाइकस लगाया हुआ है। तो लालसा को आप पानी में या छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की कटिंग आप पानी में या मिट्टी में लगा सकते हैं और इसकी पत्तियां देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, इस पर पर्पल कलर के फूल आते हैं, तो ये फूलों की कमी को भी पूरा करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है हमारा यूफोर्बिया। लाल झाड़ी भी बोलते हैं इसको। इसकी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर लगती हैं और इसकी बोंजाई बना लीजिए आप, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, फूलों की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है हमारा लैला मजनू। ये वेरीगेटेड वाला है और एक सिंपल वाला भी आता है। तो देखिए इसकी लीव्स कितनी सुंदर लग रही हैं, नीचे से रेड कलर है और ऊपर से वेरीगेटेड पत्तियां हैं इसकी, ग्रीन कलर और वाइट कलर में, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है और इसकी भी आप बोंजाई बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये गंधराज के प्लांट में लगाया हुआ है इसको, स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी बहुत सुंदर लगती है और फूलों की कमी को पूरा करती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है हमारे कोलियस। कोलियस की काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, काफ़ी रंगों में आता है ये और इसकी पत्ती इतनी सुंदर लगती हैं कि अगर आप कोलियस ही लगा दें एक तरफ तो फूलों की कमी को पूरा करता है, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है।
नेक्स्ट प्लांट है हमारा डेविल्स बैकबोन, और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं, और 3 से 4 तरह की पत्तियाँ आती हैं जो अलग अलग वेरिएटेड डिज़ाइन में होती हैं। और ये रियो प्लांट है जिसको आप आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं, ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट प्लांट है ये वोडिंजू, इसकी भी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। और ये है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की पत्तियाँ भी कई कलर में और डिज़ाइन में आती हैं। तो देखिए ये प्लांट है हमारा पोइनसेटिया का, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है और मैंने नीचे लगाया हुआ है, इसको आप गमले में लगा सकते हैं। सर्दियों में इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पिंक हो जाती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियाँ, और गर्मियों में ये ग्रीन रहता है। नेक्स्ट प्लांट ये स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है, इसको आप हैंगिंग में लगाइए, छोटे से छोटे पॉट में लगाइए, इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं। और अगला प्लांट है हमारा मनी प्लांट, मनी प्लांट भी कई तरह की वैरायटी में आता है अब, और बहुत सुंदर लगता है मनी प्लांट, इसको आप पानी में या मिट्टी में कहीं पे भी लगाइए। ये है क्रिपिंग इंच, क्रिपिंग इंच जो होती है बहुत ही सुंदर लगती है, फुटबॉल का आकार ले लेती है, अगर आप इसे हैंगिंग में लगाएं, किसी भी कैसे भी पॉट में लगा दें वहीं पर हो जाती है, बहुत सुंदर लगती हैं ये, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्लांट जिन पर फूल नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसी कारण ये गार्डन वगैरह में लगाए जाते हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं, बहुत आसान है इनको लगाना और अपने गार्डन घर को सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।